डायरेक्शन से आप लोग साथ साथ मेरे जिसका आंसर आ जाए वो तुरंत तुरंत आंसर दे देना। अभी तक जो मैंने आपसे टाइप बताया उसमें आपको क्या करना था कि कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, मतलब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी टाइप 1 और टाइप 2 में, मगर आज जो पढ़ेंगे उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। टाइप 3 से जो भी पढ़ेंगे उसमें हमें पेन उठाने की और डायग्राम बनाने की जरूरत होगी। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो टाइप 1 के मुश्किल यह है कि आपसे क्वेश्चन कभी कभार आता है, मगर यहाँ से जहाँ से डायग्राम बनते हैं वहीं से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो साथ साथ मेरे आप लोग भी आंसर कमेंट में देते रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ये किस पे है? ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन चेंज पे है। टाइप 3 जो है डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है उस पे है कि आपका जो कोई भी डायरेक्शन है उसे चेंज कर दिया जाए। इसी से रिलेटेड UP SSC आपका क्वेश्चन पूछता है कंपास पे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन मैं रखा हूँ। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, ठीक, डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपका, तो इस प्रकार आगे भी क्रम चले तो पश्चिम क्या होगा? जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर दिया करो तुरंत। चलो, जैसे यहाँ पे पहले बात तो डिस्टेंस डायरेक्शन में ये प्लॉट कर लो, जो डिस्टेंस आपका जो डायरेक्शन है उसे तो प्लॉट कर लो, तभी आपके डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन लगेंगे आराम से। देखो, नॉर्थ होता है यहाँ पे, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और इसके सब डायरेक्शन प्लॉट कर लो भाई। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गया साउथ ईस्ट और ये साउथ नॉर्थ वेस्ट। ठीक, ये डायग्राम जब प्लॉट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बोल रहा है दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है भाई? साउथ ईस्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? साउथ ईस्ट कन्वर्ट हो जा रहा है आपका उत्तर में। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए मतलब साउथ ईस्ट को नॉर्थ कर दे। ठीक है, तो जो साउथ ईस्ट है वो कहाँ चला जा रहा है? ये नॉर्थ पे चला जा रहा है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वामावर्त 135 डिग्री। देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाएगा और 45 डिग्री ये, तो टोटल कितना गया? एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री गया। ठीक, रोटेट हुआ, तभी तो ये साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाएगा। ठीक, उसी तरह पूछ उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, तो उत्तर पूर्व कहाँ है आपका? उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ, और आपका ईस्ट पश्चिम बन जाए, तो नॉर्थ ईस्ट आपका कहाँ है? ये रहा, इसको पश्चिम बनाना है। तो भाई देखो, यहां से ये जब चलेगा तो यहां तक नॉर्थ वेस्ट तक आएगा, तो 90 डिग्री कवर करेगा, क्योंकि जो ये सब डायरेक्शन होते हैं ये सब डायरेक्शन अपने में 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक, तो ये 90 डिग्री कवर करेगा और 45 यहाँ आएगा, तभी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा तो वेस्ट होगा। तो मतलब सभी डायरेक्शन इससे ये देखने से मिल रहा है कि सभी डायरेक्शन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मेन डायरेक्शन से शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उस पर सीधे चले आओ। कौन सा पूछा है कि पश्चिम क्या होगा? अब जैसे शिफ्ट हो रहा है तो आपसे पूछ रहा वेस्ट, जो वेस्ट है वो अब कौन सी डायरेक्शन होगी, नई डायरेक्शन उसकी क्या होगी? तो वैसे ही जो वेस्ट है अभी तो हमारा इधर है, अब इसे एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री शिफ्ट करना है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? देखो, 90 तो ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गए, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री आ गए, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां पर आ गए हम कहां? साउथ ईस्ट में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ये क्या बन जाएगा हमारा? साउथ ईस्ट बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्या करता है कि डायरेक्शन को चेंज करना होता है, मतलब बोलता है ये डायरेक्शन ये हो जाए तो ये कौन सा होगा। इसी से कंपास से भी रिलेटेड आता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा। देखो, मिल ही गया, मैं इसे जूम कर देता हूँ, जिसका आंसर आ जाए बता देना। ऐसे ही क्वेश्चन आया था, वो लंबा कर देता है। UP SSC क्या करता है, सिंपल सा क्वेश्चन को लंबा कर देगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। वो बोलेगा कि एक, ठीक है, कोई किसी देश जा रहा है, नावक है, वो अपने कंपास में देख रहा है कि उसे उसकी जो कंपास है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, और कंपास में गड़बड़ के कारण उत्तर को कुछ और दिशा बता रहा है। अगर उसे पश्चिम की तरफ जाना है तो बताइए किस दिशा में जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से उसमें लंबा सा क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक कंपास गलत रूप से संरेखित है, पश्चिम की दिशा को दक्षिण पश्चिम दिखाता है। देख लो, पहले तो बना लो कि पश्चिम को क्या बना, वेस्ट को क्या दिखाता है, वो पश्चिम की दिशा को दक्षिण पश्चिम बताता है, तो साउथ वेस्ट बताता है। उसके बाद से बोल रहा है उत्तर को क्या बताएगा, उत्तर के लिए पूछ रहा है आपसे उत्तर क्या चेंज हो जाएगा। जब वेस्ट साउथ वेस्ट में चेंज हो गया तो हम देखते हैं कैसे चेंज हुआ है। तो पहले ये आप डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
यहाँ हो गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ हो गया आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट, और यहाँ हो गया आपका साउथ ईस्ट, यहाँ हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। अब जैसे बोला कि कैसे ये वेस्ट चेंज हुआ है साउथ वेस्ट में, वो देख लेते हैं कि कौन से डायरेक्शन में घूमा है। वेस्ट हमारा यहाँ है और चेंज किस में हुआ, साउथ वेस्ट में। तो भैया ये वेस्ट अगर साउथ वेस्ट में आ जाए तो कितना चला, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामा मर्द चला है, ठीक। तो वैसे ही हमें जिससे पूछा है कि यह उत्तर के लिए कौन सी दिशा दिखाएगा, अगर उत्तर है तो उस समय उसका कंपास खराब है तो उत्तर दिखाना होगा तो कौन सी दिशा दिखाएगा, तो आपको नॉर्थ क्या होगा, जो मेन नॉर्थ है हमारा क्या है, यहाँ पे है, ठीक। ये भी शिफ्ट हो जाएगा, ये किससे किधर शिफ्ट होगा, 45 डिग्री होगा एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ तो कहाँ चला आएगा भैया, वो नॉर्थ वेस्ट में चला आएगा, ठीक। तो अब हमारा जो कंपास है उत्तर जो है किधर किस डायरेक्शन में दिखाएगा, वो उत्तर किस डायरेक्शन में दिखाएगा, नॉर्थ वेस्ट में दिखाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, से जूम कर लेता हूं, आंसर कमेंट करना, कमेंट आ जाए तो तुरंत। ये क्या है इसमें कि आपका पूरा का पूरा कोई व्यक्ति योगा कर रहा हो और उल्टा हो, उस समय से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपको कैसे करना है ध्यान देना। बोल रहा है कि किरण अपने सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग करती है तो उनका चेहरा पश्चिम की ओर है तो उनका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई व्यक्ति उल्टे स्थिति में है, योग की स्थिति में है, सर नीचे किया हुआ पैर ऊपर किया हुआ है और आपसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के बारे में पूछे कि किस दिशा में होगा, तो उसे कुछ नहीं, अगर उल्टा व्यक्ति है तो समझ लो उसे सीधा करने के लिए, अगर उल्टे में इसका जो चेहरा है वो किधर है, वेस्ट में है, तो इसका जस्ट उल्टा ले लो, ठीक है। उल्टे में उसका चेहरा वेस्ट की तरफ है तो इसका जब सीधा होगा तो इसका चेहरा किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ हो जाएगा, तो सपोज करो तुम ईस्ट की तरफ फेस किए हो तो तुम्हारा, ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस किए हो, ठीक, ये ईस्ट की तरफ फेस किए हो तो तुम्हारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये देखो ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है। अगर ईस्ट की तरफ तुम्हारा फेस है तो ये हमारा हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, और राइट हैंड की तरफ क्या होगा, साउथ होगा। तो हमसे क्या पूछा है, पूछा है उनका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, देखो ये लेफ्ट हैंड है ना, नॉर्थ में होगा, किधर होगा, उत्तर में होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है कि जब व्यक्ति की स्थिति जो हो, क्या दिया, उल्टा दिया, मतलब सर नीचे हो पैर ऊपर हो, तो आप क्या करना है, उसका जो डायरेक्शन दिया है कि देखो जब उस स्थिति में हो तो उसका चेहरा किधर है, पश्चिम, तो बस इस डायरेक्शन को चेंज कर लेना, पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन ले लेना। पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। बस सपोज कर लेना कि जब हम ईस्ट की तरफ खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट हैंड किधर होता है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, आंसर कमेंट करते रहना इसका। चलो बोल क्या रहा है इसमें, ये किससे रिलेटेड है, ये टाइप आपका अलग है, इसीलिए मैंने इस पर लिखा है टाइप 4, जब परछाई दी गई हो, ठीक, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो भैया चलो इसका आंसर निकाल लो। बोला सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, इससे दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, यहां लिखा ना सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक, सनराइज और सनसेट उसी पे आपका बनेगा। तो ये सूर्योदय के समय का है, अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के समय दयाल की परछाई, ठीक है, दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो बताएं दयाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखो पहले तो ये डायरेक्शन बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सूर्योदय का समय है तो सूर्य किधर होगा भैया, ईस्ट के समय ऊपर होगा, यहीं से उदय होता है सूर्य, ठीक। अब वो लोग आमने सामने खड़े हैं और कहीं पे और बात कर रहे हैं, तो आमने सामने खड़े हैं मतलब दो ही पोजीशन बन सकता है, केस ले लें हम, एक पहला केस ये ले लें सूर्योदय के समय में कि मान लो एक नॉर्थ पे की तरफ फेस करके खड़ा है, एक साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक, तभी इनकी परछाई बनेगी। अगर ये ऐसे ऐसे खड़ा होंगे तो इनकी परछाई तुरंत आपस में टकरा जाएगी। तो हम ये दो ही पोजीशन लेते हैं कि एक कोई नॉर्थ की तरफ फेस किया होगा, कोई साउथ की तरफ फेस किया होगा, ये
आपके दोनों लोग खड़े हैं। अब इसमें से हम देख लेते हैं, अगर पहले व्यक्ति को, इस व्यक्ति को जो साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, उसको हम नाम दे दें भाई, कौन सा, अजय दे दें। सपोज ये अजय है और ये कौन है, ये दयाल है, ठीक है, ये अजय है और ये दयाल है। तो अब सूरज जब इधर साइड में है तो इनका जो इमेज बनेगा, इनका जो परछाई बनेगी, वो क्या बनेगी, दयाल की साइड बनेगी इमेज, और इसका अजय की इस साइड परछाई बनेगा, शेडो बनेगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये दयाल जो, ये देखो ये जो दयाल है, इसका राइट हैंड साइड कौन सा है, ये जब नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो इसका राइट हैंड साइड ये आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड, हमारा जो राइट हैंड साइड है वह होगा, और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। और अजय का क्या है, जब साउथ की तरफ फेस करेगा, जब साउथ की तरफ फेस करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेंज हो जाएगा नॉर्थ की बजाय में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस साइड में लेफ्ट हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक। तो अब देखें इसमें, तो क्वेश्चन में बोला है बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं, ठीक है, दयाल की जो परछाई है वो अजय के दाएं पड़ती है। तो देखो अजय, अगर अजय ये है खड़ा, तो अजय के दाएं ही साइड में, ये कौन सा साइड है अजय का, राइट हैंड साइड है, तो अजय के राइट साइड में ही तो ये इसका पड़ रहा है दयाल की परछाई। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट सही है। अगर मैं अरेंजमेंट दूसरा लिया होता, सपोज करो ये केस टू में ले लूं, और यहां पे जो मैंने अजय रखा था यहां दयाल कर दूं, ठीक, मुझे तो पता नहीं कौन कैसे खड़ा है, मैं ऐसे ही दो केस बनाऊंगा कि सूरज यहां है, ठीक, एक दयाल हो गया और यहां पे कौन हो गया, अजय हो गया, इसकी परछाई ये होगी, इसकी परछाई ये होगी। क्वेश्चन में बोला तो हम मैच करेंगे क्वेश्चन में, कि बोल रहा है कि दयाल की परछाई अजय के दाएं है, तो दयाल की परछाई ये है, ठीक, अजय का ये कौन सा है, ये देखो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, अजय अगर नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो उसका ये राइट हैंड पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड पड़ेगा। तो उस समय जो दयाल की परछाई है वो अजय के लेफ्ट में पड़ेगा, और यहां क्या बता रहा है आपसे कि दाएं में पड़ना चाहिए, इसका मतलब ये केस हमारा नहीं होगा, अजय इस तरह से नहीं खड़ा होगा। अजय किस तरह से खड़ा होगा, अजय इस तरह से खड़ा होगा, साउथ की तरफ फेस किया होगा, ठीक, तभी जाके जो दयाल की परछाई है वो अजय के दाएं साइड बनेगी, ठीक। तो यही आपके दो केस बनते हैं, चाहे वो सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, ठीक। तो अभी हमसे पूछा क्या क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पूछ रहा है दयाल किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो दयाल का पूछा है, तो दयाल किस दिशा में हो जाएगा, ये कौन सा है डायरेक्शन भाई, ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसी में आपसे जब सूर्यास्त का पूछ ले, ठीक है, सपोज करो इसी में आपसे सूर्यास्त का पूछ ले, तो उस समय आपका सन कहां हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, ठीक, वेस्ट में हो जाएगा। तभी भी अगर दो लोग हैं कोई, मान लो ये ए है ये बी है, ठीक, तो इनकी परछाई कहां बनेगी, ये बनेगी इस साइड, ईस्ट से ईस्ट की तरफ बनेगी दोनों की परछाई। और इसी पे क्वेश्चन बोल देता है कि शाम के समय कोई दो लोग हैं पार्क में टहल रहे हैं, ए बी आमने सामने बात करते हैं, तो बी की परछाई जो है ए के बाएं हाथ में पड़ती है, ठीक, तो बाएं हाथ में पड़ती है, बी की परछाई ए के बाएं हाथ में पड़ती है, तो ये तो ए है, ए का ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए का लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो बी की परछाई देखो, ये इसका ए का लेफ्ट साइड है ना, तो बी की परछाई किधर पड़ रही है, ए के लेफ्ट में पड़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, अगर बोलता कि राइट में पड़ रही है तब क्या होता आपका, ये जो होता बी आपका यहां होता और ए कहां होता, यहां होता, तभी क्या होता इसका, ये इसका राइट आपका लेफ्ट हैंड हो जाता, ये राइट हैंड हो जाता, तब जो आपका बी का जो परछाई है वो किधर पड़ता, आपके अजय के राइट हैंड साइड में पड़ता। तो ऐसे केस आपके बनेंगे जो है किसमें, शैडो वाले केस में। आगे चलते हैं, टाइप फाइव देख लीजिए, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हों, ठीक है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछता है कि घड़ी पे, और इससे क्लॉक वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला अगर 9:15 घड़ी में हो रहा हो और घंटे की सुई पश्चिम की दिशा में हो, ठीक, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी आपको बताना है। ये तो सिंपल सी बात है, देखिए ये आपका डायरेक्शन आप बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट,
ठीक, अगर हम देखें यह हमारा क्लॉक होता है, 3 होता है या 12 होता है या 6 होता है या 9 होता है, इसी को हम नॉर्थ मान ले या साउथ मान ले या ईस्ट मान ले या वेस्ट मान ले, ठीक है ऐसे। ठीक, तो अगर बोल रहा है ये कौन सा 9:15 पे अगर घंटे की सुई, तो 9:15 कौन सा होगा टाइम भाई, ये होगा घंटे की सुई यहां होगी 9 पे, और 15 पे मतलब ये 3 पे होगी मिनट की सुई, ये मिनट एंड हो गई, ये आवर एंड हो गया। ठीक, तो 9:15 तो यही होगा टाइम। तो अगर 9 बजे घंटे की सुई वेस्ट में है तो मिनट की सुई किधर होगी, ईस्ट में होगी। आसान सा क्वेश्चन है, पूरा हो जाएगा इसका आंसर। मगर क्या एग्जैक्ट में 9:15 पे जब 9:15 आपके घड़ी में होता है तो क्या घड़ी घंटे की सुई हमेशा 9 पे रहती है? ये 6 हो गया, तो जब 9:15 होगा इसका मतलब कि 9 पे एग्जैक्ट तो रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा ऐसे, और ये रहेगी एग्जैक्ट 3 पे। तो आपका मेन डायरेक्शन वेस्ट तो ये है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है ईस्ट है, और ये आपका साउथ है। तो ये तो है नहीं, और ये वाला जो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इसका मतलब कि अगर हम एग्जैक्ट देखें, ये तो हम आइडियल कंडीशन मान लिए कि 9:15 हो रहा है तो घंटे की सुई भी 9 पे रहेगी और मिनट की सुई भी 3 पे रहेगी, तभी 9:15 होगा। तो उस केस से उसी हिसाब से ऑप्शन भी दिया था। अगर आपका ऑप्शन ये नहीं दिया एग्जाम में तो आपका दूसरा आंसर भी हो सकता है। हम इसे एंगल से निकालने की कोशिश करेंगे जब एक और मेथड बताएंगे, जब हम क्लॉक पढ़ाएंगे आपको उस समय। और अभी इसमें क्या है कि अब जब 9:15 होगा तो इसमें जो घंटे की सुई है कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी, ठीक, किससे, 9 से। तो ये जो घंटे की सुई है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट में। तो अभी जो मेन है हमारा वो नॉर्थ वेस्ट में है घंटे की सुई, और वो चेंज होके किधर हो जा रही है, अब चेंज वाला रूल लगा देंगे, नॉर्थ वेस्ट हो चेंज होके वेस्ट हो जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया हुआ कि घंटे की सुई क्या है, घंटे की सुई पश्चिम में है, और एग्जैक्ट में अगर 9:15 होता है तो इस यहां लाई करेगी हमारी घंटे की सुई 9:15 पे, तो वो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या हो जा रहा है, चेंज होके वेस्ट हो जा रहा है। वैसे ही ये इसका मतलब इतना टर्न हुआ इस एंगल में, कौन सा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है, तभी तो वेस्ट हुआ। उसी हिसाब से अगर हम मिनट की सुई को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो कहां पहुंच जाएंगे, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा भी घूम जाए तो यहां पहुंच जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि अगर ईस्ट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में चली जाएगी कौन सी, मिनट वाली सुई। तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट भी आपका अगर ऑप्शन दूसरे टाइप से सेट करे तो हो सकता है, क्योंकि हम जब एंगल इसका निकालेंगे ना क्लॉक में जब पढ़ेंगे इसे इसी टाइप के क्वेश्चन को, तो ये आपका 180 डिग्री से कम आता है, जब 180 होगा तब जाके वो अपोजिट में होंगे, मगर इनके बीच का मिनट एंड और हावर एंड के बीच का जो एंगल आता है हम जब क्लॉक में देखेंगे तो वो 180 से कम आता है, तो उस हिसाब से जब हम चलेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कैसा दिया है, तो आप आइडियल मान के करोगे तो इसका आंसर, क्योंकि आपके ऑप्शन ऐसे सेट हैं तो ये आइडियल पे ही होगा क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे तो बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, आंसर आ जाए तुरंत बता देना भाई। इसमें भी क्या बता रहा है कि एक घड़ी है 3 बज रही है उसमें, तो आपका उसका जो मिनट हैंड है वो किधर दिखा रहा है, उत्तर पूर्व को दिखा रहा है, तो घंटे का जो सुई है वो किस दिशा को दर्शाएगी, ये पूछ रहा है आपसे। आंसर कमेंट कर दो जिसका आ गया, क्योंकि ये जैसे प्रीवियस वाला किया सेम उसी लॉजिक पे ये भी होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा भाई साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। और आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा है, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, घड़ी बना लो 3 बजेगा, तो 3 कहाँ बजेगा भैया, ये होता है 3, ये होता है 12, और ये 6, 9 घड़ी में। तो जब 3 बजाओगे तो घंटे की सुई आपकी 3 पे रहेगी और मिनट की सुई एग्जैक्ट 12 पे रहेगी, यही पोजीशन होगा, इधर उधर कुछ नहीं होगा। 3 बजने का मतलब 3 जब बज रहा है तो आपकी घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई एग्जैक्ट 12 पे होगी। तो वो क्वेश्चन में आपका क्या बोला, अगर हम देखें डायरेक्शन से तो ये ईस्ट डायरेक्शन होता है और ये वेस्ट होता है,
और ये आपका नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 बजे आपकी जो मिनट की सुई है वो किस डायरेक्शन में है? पूरब में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है, उत्तर पूर्व में है। तो अभी जो ये हमारा नॉर्थ में है, मिनट की सुई किधर है? ये मिनट है, ये आवर एंड है, अभी हमारा नॉर्थ में है और वो बोल रहा है उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व कहाँ होता है आपका? इसका मतलब ये चेंज हो गया ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन है वो नॉर्थ किस में चेंज हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट में चेंज हो गया, ठीक, क्योंकि यहां पे जो हमारा मेन तो ये है सुई और ये चेंज होकर नॉर्थ ईस्ट में चला आ रहा है, बोल रहा है उत्तर पूर्व हो जा रहा है। तो उसी हिसाब से आपको बताना है कि घंटे की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें भी डायरेक्शन चेंज का लगेगा। तो अभी हमारा जो घंटे की सुई है वो 3 पे है, तो वो भी चेंज होगी, किस डायरेक्शन में चेंज होगी? ये देखिए किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना? 45 डिग्री। उसी हिसाब से 45 डिग्री ये भी चेंज होगा, ठीक, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये भी चेंज होगा। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होगा तो ईस्ट से कहां आ जाएगा? ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा। तो हमारा बोलेंगे हमारा जो ईस्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? साउथ ईस्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? दक्षिण पूरब, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये छठवां टाइप है आपका, आंसर कमेंट करते रहना भाई। इसमें क्या है, व्यक्ति या वस्तुओं के सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना है, मतलब किसी ना किसी के संदर्भ में दिशा बताना है इसमें आपको, आपसे स्टार्टिंग से लास्ट का डायरेक्शन पूछेगा, ठीक। तब आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी कि आप स्टार्टिंग में चलना शुरू किया और लास्ट में जहां पहुंचे, तो पूछेगा अब स्टार्टिंग से आपकी जो डायरेक्शन है लास्ट में जहां पहुंचे वो किस डायरेक्शन में हैं आप, ठीक। तो उस टाइप के क्वेश्चन अब मैं हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोला सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर जो पूरब दिशा में है से चलकर एक चौराहे पर आती है, उसके बाईं ओर की सड़क मॉल तक जाती है एवं ठीक सामने रेलवे स्टेशन है, तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल ये है कि नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया भैया, ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया, उसका घर कहाँ है भैया? ईस्ट में है, यही तो बोला गया है कि पूरब दिशा में उसका घर है सुधा का। वहां से चलकर एक चौराहे पे आती, मान लो यहां से चल के आई, यहां एक चौराहा है, एक सड़क इधर निकल गई, एक सड़क इधर निकल गई, एक सड़क इधर निकल गई, ठीक। तो बोल क्या रहा है उसमें कि जैसे ईस्ट की तरफ से आती है तो मतलब वेस्ट की तरफ उसका फेस होगा, तो वेस्ट की तरफ फेस होगा, तो ये समझ लो ये वेस्ट की तरफ फेस है, तो हमारा ये कौन सा हैंड होगा आपका? ये नीचे राइट हैंड, नीचे लेफ्ट हैंड होगा, ऊपर राइट हैंड होगा, ठीक। इसका मतलब ये आपका यहां राइट होगा और यहां लेफ्ट होगा इसका। तो लेफ्ट में क्या है? बाईं ओर सड़क जो जाती है उसमें क्या है? मॉल है। तो यहां तो मॉल है जो सड़क जा रही है, और सीधे जो है उसके बोला है कि जो सीधे सड़क आती है वहां क्या है? रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो बचा आपका कौन सा डायरेक्शन? एक नॉर्थ बचा, जब इधर मॉल है, इधर उसका घर है, इधर रेलवे स्टेशन है, तो इधर नॉर्थ की तरफ जो सड़क जा रही है इसका मतलब उसका विश्वविद्यालय कहाँ है? नॉर्थ में है, मतलब उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कमेंट करते रहना, इसमें आपको सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको किसी के रिस्पेक्ट में किसी का पोजिशन बताना है। जैसे बोला का स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक। क जो है ख से, देखो हम यहां ख बना दें, यहां इसी पे डायरेक्शन प्लॉट कर दें, इसी ख पे डायरेक्शन प्लॉट कर दें, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट। तो ख से क किस डायरेक्शन में? 40 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है डायरेक्शन भाई? ये साउथ और वेस्ट वाला, यही तो होता है दक्षिण पश्चिम। तो इससे बीच में कौन है 40 मीटर के डिस्टेंस पे? 40 मीटर के डिस्टेंस पे है क, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ख से 40 मीटर दक्षिण पूरब में कौन है? ग है। ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूरब में है, तो ख से ही ग किधर है? 40 मीटर पे है
वो दक्षिण पूर्व में मतलब साउथ और ईस्ट वाले में है, 40 ही मीटर सेम है, और यहाँ कौन है भाई, ग है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो ये यहाँ से मिला देते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है बताइए ग स्थान क से किस दिशा में है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा, ग का पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, क से ग किस दिशा में, तो बस क्या करो कि जहां जिससे पूछा है वहां पे डायरेक्शन बना लो, ठीक है, डायरेक्शन बना लिया यहाँ पे, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, ईस्ट है, तो हमारा बोल देंगे हम किस में है, पूरब में है, जो ग है क से पूरब में है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, आप कर लेना, ये हटा देना, इससे पूरब में है ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी, ये उत्तर पूर्व आ गया है, ये हटा देना, उत्तर पूर्व से पूरब होगा, कि क से जो ग है कि ग का स्थान क से किस दिशा में है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट के डायरेक्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप 7 देखते हैं, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आता है, केवल दूरी ज्ञात करना है, तो एक तो आपका हो जाएगा कि कुल दूरी आपसे जब पूछ ले कोई ट्रेवल कर रहा है तो, या आपसे उसका न्यूनतम दूरी जो है पूछ ले, तो न्यूनतम दूरी में क्या होगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, राइट एंगल ट्रेंगल का ही बनेगा, उसी में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, या आपसे कुल दूरी पूछ ले, तो अभी है पहला टाइप 7 का, कुल दूरी ज्ञात करना है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, कमेंट करते रहना, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की, जब आपसे ये पूछ ले कि विनोद ने कुल लगा दे, यहाँ टोटल डिस्टेंस अगर पूछ ले, तब आपको क्या लगना, सभी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना है, अगर कुल नहीं लगा है, ये शब्द नहीं यूज हुआ है, सिर्फ पूछ ले कितनी दूरी है, तो इसका मतलब समझ लो कि शॉर्टेस्ट पाथ पूछ रहा है, और ये नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि उसका शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, वो सीधे पूछा कितनी दूरी पर है, और जब उससे पूछना होगा क्वेश्चन में कि पूरी दूरी टोटल डिस्टेंस, तब लगाएगा कुल कितनी दूरी है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, विनोद उत्तर दिशा में जाता है, डायरेक्शन तो जानते हो सब लोग, प्लॉट कर लो इसे एकदम, ठीक, तो उत्तर तरफ ऊपर की तरफ जाता है, कितना जाता है 10 मीटर, उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, बाएं मुड़ेगा तो यहां कितना चला 30 मीटर, उसके बाद अंत में फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, अब यहां पहुंचा, यहां से अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो इस साइड डायरेक्शन में मुड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ना है, लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ना है तो इधर टर्न करेगा ये, और कितना चलेगा 20 मीटर चलेगा, इसका मतलब 10 से ज्यादा चलेगा, यहां तक आ जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा आपसे, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है इसमें, तो टोटल डिस्टेंस तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी आपसे, टोटल डिस्टेंस जब पूछे तो आप देख लो, 10 ये है, 30 ये है, 40 और 50, 60, कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो देख मार लो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा, तो जब टोटल डिस्टेंस पूछे तब ये डायग्राम वाइग्राम ना बनाना, सिंपल सा जितना देख लो कहाँ कहाँ चला है उठा के सब जोड़ दो, वही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, वही शॉर्टेस्ट आपका मेथड है टोटल डिस्टेंस में। जब आपका शॉर्टेस्ट पाथ पूछे तब आपको बताना था कि अगर यहां से स्टार्ट किया और जहां पहुंचा वहां के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तब आप क्या करोगे, इसे कंबाइन करोगे और यहां से यह कंबाइन करोगे और इसे निकालोगे, ये 10 हो जाएगा, यहां पे ये 10 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा, तब ये आप पाइथागोरस लगा के ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, अभी आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, आगे वाले क्वेश्चन में पूछेगा, चलो देखते हैं, ये देख लो न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, टाइप बी है उसी का, आंसर बता देना कमेंट आ जाए, ठीक है कमेंट कर दो आंसर इसका, अजय पूरब की ओर 2 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले, देखो कैसे क्वेश्चन में आपको शब्दों से घुमाया है कि वह फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला, यही क्या करोगे, अगर लाइन नहीं समझ में आएगी तो 7 5 इधर उधर कर दोगे अरेंज करते समय, बस आंसर गलत आ जाएगा, और क्या टफ थोड़ी होता है डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन, फिर वो अंत में दाएं मुड़ा
और रुकने से पहले 1 मीटर चला। अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है, रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब आपको डायग्राम बनाना है। चलो देख लेते हैं भाई कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे। अजय पूरब की ओर 2 मीटर चलता है, तो जानते हो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। पूरब की तरफ कितना चला? 2 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे टर्न होगा। कितना चला? 7 मीटर चला। वो फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले कितना चला था? 5 मीटर चला था। तो यहां पकड़ो, देखो वो फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा देते हैं इसे, बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले, मतलब फिर से यहां से बाएं मुड़ा और 7 मीटर चलने से पहले ये 7 मीटर फिर चला। यहां से भी बाएं मुड़ेगा तो आपका यही लेफ्ट हैंड है, से चलने से पहले कितना चला था? 5 मीटर चला था। मतलब ये जो डिस्टेंस है अब जाके पता चले कि 5 मीटर चला था। ठीक, अंत में वो दाएं मुड़ा, उसके बाद से कहां मुड़ा? वो यहां चल रहा है तो दाएं मुड़ा, लास्ट में वो दाएं मुड़ा है तो आपका दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज, तो इस साइड जाएगा। दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला, ये हो गया 1 मीटर। अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो कितनी दूर है अब देख लो, एक तो ये 2 मीटर ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और ये इसका डेस्टिनेशन है, यहां खत्म हुआ है। तो ये 2 मीटर ये हो गया प्लस ये कितना हो गया, जितने का ये डिस्टेंस है 5 और ये 1, तो कितना हो गया? 2, 5 और 1। तो सिंपल सा डायग्राम था, ऐसे और टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके बन जाए तो वो सब आपको काउंट करना पड़ेगा। कि जो बीच वाला, देखो ये डिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे हम, सीधे सीधे डिस्टेंस जोड़ेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। अगर वैसे टोटल डिस्टेंस जोड़ो तो 2, 7, 5, 7, 1 जोड़ेंगे, मगर यहाँ टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा, बोला यहां से और यहां के बीच की दूरी कितनी है। तो सिंपल सा 2 ये 5 ये और 1 ये, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि आपसे बिंदु ए बिंदु बी के पूरब में 4 मीटर की दूरी पर है, बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम में 8 मीटर तथा बिंदु बी के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, बिंदु एफ बिंदु ई के पश्चिम में 4 मीटर दूरी पर है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ लंबा होते हैं, कुछ होता नहीं है। जो बिंदु डी के दक्षिण में 3 मीटर दूरी पर है, तो बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु एफ की पोजिशन क्या है? आपका डायरेक्शन पूछ रहा है, कितनी दूरी पर पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, कितना आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, ए से एफ के बीच में कितनी दूरी है। तो अब कैसे करोगे? जैसे जैसे इसने बताया है वैसे वैसे आपको डायग्राम प्लॉट करना है। डायग्राम जैसे प्लॉट कर लोगे आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी क्या है इसके बीच के डिस्टेंस। तो चलो प्लॉट करते हैं डायग्राम। बिंदु ए बिंदु बी से पूरब में है, ए जो है किधर है? बी से पूरब में है। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, तो बी से ए किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में है। ये होता है ईस्ट आपका, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगला क्या बोल रहा है? वो कितना है? 4 मीटर है, ये भी दिखते रहना। बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम में 8 मीटर है। सी और डी कहीं ए और बी से रिलेशन में आ रहा है, तो अभी इस लाइन को नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, क्योंकि सी जो डी आया है वो ए बी से कोई रिलेशन में नहीं है। बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम में 8 मीटर है तथा बिंदु बी के दक्षिण में 5 मीटर है। कौन? बिंदु सी। बिंदु सी ही बिंदु बी से दक्षिण में 5 मीटर है, तो दक्षिण में इसके बी से दक्षिण में कौन है? सी है। कितना? 5 मीटर। तो बी के दक्षिण में नीचे साउथ आएगा, तो 5 मीटर है। उसके बाद से अब जब सी आ गया तो ऊपर वाला रिलेशन मिल जाएगा, सी और डी के बीच का है। बोला बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम में 8 मीटर है, तो पश्चिम में है ये किसके? डी के। तो सपोज करो यहां है, ठीक, यहां है 8 मीटर, 4 ये हो गया आपका और 4 ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक,
तो डी जो है सी के पश्चिम में कितना है, 8 मीटर है। सी जो है डी के पश्चिम में है, डी के पश्चिम में सी 8 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं, बिंदु एफ बिंदु ई के पश्चिम में 4 मीटर है। अभी भी नहीं हमें पता चला एफ और ई इन सब से कहीं तो रिलेशन में है नहीं ए बी सी डी में, तो अब देख लेते हैं आगे होगा इसी से कहीं। एफ ई के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर जो, यहां देखो लिखा ना, जो बिंदु डी के दक्षिण में 3 मीटर की दूरी पर है। जो किसके लिए आया, जो ई के लिए आया। ई जो है डी से किधर है, दक्षिण में है। डी से दक्षिण में 3 मीटर पे कौन है, ई है, ई है, ठीक। अब ई जब आ गया तो एफ सवाला निकल आएगा, तो बिंदु एफ बिंदु ई के पश्चिम में 4 मीटर है। बिंदु एफ जो है ई के पश्चिम में, तो ई के पश्चिम में कहां, इस साइड आएगा, कितना, 4 मीटर। तो ये 8 है तो बस इसी वाले मिडल पे एफ आ जाएगा, यहां पे एफ आ जाएगा ये 4 मीटर, ठीक। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपसे पूछा क्या है, बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु एफ कितनी दूर पे है। देख लो ए से एफ ये डिस्टेंस है, ये कितना है भाई, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, तो 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जूम करता हूं, जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर देना भाई इस पे। बोला है कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक। दूरी पूछ रहा है कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देख लो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बना लेते हैं। कृष्णा उत्तर दिशा में चला है, कितना, 10 मीटर भाई। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ जाएगा 10 मीटर। ये है ता आपका प्लॉट कर लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ, तो चल दिए हम भाई 10 मीटर। फिर पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, बाएं मुड़ा मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड मुड़ा होगा, कितना चला, 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, इसका मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ेगा, तो 50 मीटर चला है, तो ये 50 मीटर का डिस्टेंस बना लो भैया। चलो उसके बाद से बोल रहा है कि अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग हो गया और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। एस और डी से मैंने डिनोट कर दिया स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन इसका। बोल रहा है अब इससे कि दूरी पूछ रहा है कृष्णा का, अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहां से और यहां की ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, जब ऐसे आपका ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना है। अब अभी तक टोटल निकाले थे, अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है इसमें, तो पाइथागोरस लगाएंगे, ये आपका मिल गया। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देंगे, यहां से जोड़ देंगे, ये देखो इस पॉइंट को जोड़ दिए, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 10 मीटर है, तो वैसे ही ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 10, तो ये पूरा का पूरा हमारा कितना है, 50 मीटर है, पूरा का पूरा तो 50 मीटर है, तो 10 यहां निकल गया, तो ये कितना बचा भाई, 40 मीटर बचा, ये 40 मीटर बचा, और ये जितना है 30, उतना ही ये भी रहेगा 30, ये भी 30 मीटर रहेगा, तो 40 30, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, ये आप ट्रिपलेट जानते हो, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो 4 में 10 का गुणा हुआ है तभी तो 40 हुआ, और 3 में 10 का गुणा हुआ है तो 30 हुआ, तो 5 में भी 10 का गुणा होगा तो क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट है ये। अब ऐसे भी करते तो पाइथागोरस लगा लो, अगर हमें ये पता करना है तो क्या होगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो क्या होता है 40 का स्क्वायर, 1600 प्लस 900, तो 1600 कितना होता है भाई, अंडर रूट 2500, तो 2500 किसका होता है, ये 525 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 00 का मतलब एक सिंगल आ जाएगा 0, मतलब यहाँ 50, तो वही आया, चाहे ऐसे कर लो, ट्रिपलेट याद है तो 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है, सब में 10 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 50 मीटर हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो ये होता है आसान सा क्वेश्चन इस टाइप के जो बनते हैं आपके, जहां शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने होते हैं। अगले टाइप में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो आंसर कमेंट करो। बोला रवि उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है,
प्रस्थान बिंदु से वो कितनी दूर पर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से बोल रहा है कितनी दूर पर है। देख लेते कैसे कैसे गया भाई रवि। उत्तर पूर्व, ये देख लो पहले बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिस जिस डायरेक्शन में बोल रहा है उस डायरेक्शन में बना लो। किस डायरेक्शन में बोल रहा है रवि? उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर पैदल चला। उत्तर पूर्व कौन सा है भाई? उत्तर पूर्व ये है, तो मान लो ये एक पॉइंट मान लो, और यहाँ से इस पॉइंट से उत्तर पूर्व मान लो ये, क्योंकि यहाँ ऐसे इमेजिन कर लो ये पॉइंट, ठीक, ये उत्तर पूर्व है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये उत्तर पूर्व में कितना चला है? 8 मीटर चला है, मैंने मान लिया, ठीक। उसके बाद से फिर वो 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है, मतलब जब यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो 6 किलोमीटर कहाँ जाता है? दक्षिण पूर्व जाता है। भाई अब यहाँ पे डायरेक्शन बना लो, ऐसे यहाँ डायरेक्शन बना लिए तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें कौन से स्थान पे जाना है? दक्षिण पूर्व जाना है। तो दक्षिण मतलब साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट मतलब ये वाला आएगा। यहां से कितना चलना है? ये अगर रेफरेंस पॉइंट है हमारा तो 6 ही चलेगा ये, ठीक। और इनके इनके बीच का ये कितना एंगल होता है भाई? 45-45 पे होते हैं सभी, हर एक जो आपका सब डायरेक्शन होता है ये कितने पे होगा? ये 45 मिलाकर ये 45, टोटल 90 डिग्री हो गया। और अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहां से चला था और ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यहां से चला था, उसने चलना स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, ये पॉइंट मैं ए दे दूं, और यहां पे पहुंच गया है बी पे, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। अब ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये आपको बताना है। अब बोलोगे सर क्यों, ये जो था ये इस पे आके नहीं मिल जाता, ये जो हमारा रेफरेंस है नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये 8 होता तब मिलता, तब जाके आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बनता, ठीक है। तो वो 8 है नहीं, तो आइसोसेलेस नहीं बनेगा, तो इसलिए ये यहाँ पे ही 6 पे ही इधर ही कहीं रुक जाएगा, और ये यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो टोटल ये 8 है, ये 6 है, और ये आपको निकालना है। तो आप पढ़े हो ट्रिपलेट, सेम चीज है, देख लो ये 8 6, और आपसे एक पूछ रहा है ट्रिपलेट में, तो क्या होगा? ये 3, अब जानते हो ये 4 3 4 3 5 वाला ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि 4 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका, ठीक, क्योंकि जब सभी में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 वाले में भी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या आप सीधे पाइथागोरस लगा लो, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस ए बी मान लो, तो ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर आपका और 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 64, और ये क्या हो जाएगा भाई? 36। 64 36 कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपका ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपको निकालना होता है शॉर्टेज डिस्टेंस में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आ जाए कमेंट कर दो। बोला महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। यहाँ दिशा और दूरी दोनों बताना है इस वाले क्वेश्चन में, आपको दूरी भी बताना है और दिशा भी बताना है। जैसे जैसे चला भाई वैसे वैसे हम चलते हैं। महेश 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, चलो हम 10 किलोमीटर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ गए। उसके बाद से बोल रहे वहां से वो 6 किलोमीटर दक्षिण में आता है, मतलब जब यहां पहुंच गया तो फिर से वो रिटर्न 6 किलोमीटर किधर आ रहा है? साउथ में आ रहा है। तो यहां से 6 किलोमीटर साउथ में आएगा, ठीक, ये 6 किलोमीटर आ गया यहां पे साउथ में, इस पोजीशन में मान लो आ गया है। उसके बाद से बोल रहा है कि वो फिर से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो 3 किलोमीटर यहां से पूरब की तरफ जाएगा, ये है पूरब आपका, ईस्ट में चला गया। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, मतलब ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, अब ये जाके यहां पहुंचा है, तो यहां से इसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है और डिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो यहां से डायरेक्शन पूछ रहा है तो हम इसी पे आपका डायरेक्शन वाला बना देते हैं। तो ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है,
और ये वेस्ट होता है, और ये बीच में निकला है नॉर्थ और ईस्ट के, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग से ही तो पूछा है, प्रारंभिक स्थान से पूछा है, तो स्टार्टिंग से इसका डायरेक्शन किधर है? ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये तो पता चल गया नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले कौन कौन से आपके ऑप्शन है? उत्तर पूर्व वाले एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, बाकी दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे तुरंत, खाली इससे ही डायरेक्शन से ही पता चल जाएगा। तो अब हमें डिस्टेंस निकालने, क्योंकि हमें दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें डिस्टेंस आपके हैं और डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पूरा का पूरा 10 था यहां से, और ये 6 वापस आया था साउथ में, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 4 मीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर में है ठीक, 4 किलोमीटर हो गया। और ये कितना गया था पूरब की तरफ? कितना गया था? 3 किलोमीटर गया था। तो फिर वही बन गया ट्रिपलेट, वही वाला सेम 4 3, तो ये क्या होगा भाई? 5 होगा, सिंपल सी बात है, 5 किलोमीटर होगा। तो 5 किलोमीटर वाला कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए है, ये सही हो जाएगा ठीक। अंडर रूट में करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना होता है? 25, किसका होता है? 5 का होता है ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये अलग टाइप से है, अभी तक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मगर पूछ सकता है क्योंकि इसी टाइप से आपका ब्लड रिलेशन में सिंबल बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है यूपी ट्रिपल एससी ने, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका सिंबल बेसिस पे, कि आपको सिंबल दे दे ए प्लस बी का मतलब होता है ए इसके दाएं हैं बाएं हैं, इस टाइप से ब्लड रिलेशन में उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन थे वो तो एक पूछता ही है, कुछ इस नए टाइप से भी पूछता है, तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी के पश्चिम में है, और आपसे बोला क्या है, एक इक्वेशन दे दिया है पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस में, बताओ कि एस क्यू के संबंध में किस दिशा में है ठीक है, मतलब एस का क्यू से बताना है कि वो किस दिशा में है। तो देख लेते हैं, इसे प्लॉट करते हैं इक्वेशन को, जब इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है। तो प्लॉट करते हैं भाई, पी परसेंटेज क्यू पहला बोला, पी परसेंटेज क्यू इसे हम सॉल्व करें, तो पी परसेंटेज मतलब सेम चीज ये, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या बोल रहा है कि पहला वाला लेटर जो है आपका यहां जो है ए बी के पूरब में है, इसका मतलब पी जो है क्यू के किधर होगा? पूरब में होगा, पी जो है वो क्यू के पूरब में है, मैंने बना दिया कि P जो है Q के पूरब में है। अब अगला जो इक्वेशन है वो क्या है, Q प्लस R है ठीक, Q प्लस R है, तो Q प्लस R में क्या है, प्लस वाला देख लो, प्लस वाला मतलब क्या है, देखो A प्लस B का मतलब क्या है कि A B के उत्तर में है, मतलब पहला वाला जो है वो किसके उत्तर में है, दूसरे वाले के उत्तर में है, तो जो Q है वो किसके उत्तर में है भाई, R के उत्तर में है, यहां R लगा दिए ठीक है, बन गया ये आपका। अगला है क्या, R माइनस एस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। R माइनस एस ए माइनस बी को देख लें, ए माइनस बी का मतलब बोला ए बी के पश्चिम में है, मतलब पहला वाला जो आपका लेटर है A वो B के किधर है, पश्चिम में है, इसी तरह R जो होगा वो S के किधर होगा, पश्चिम में होगा, तो R S के पश्चिम में होगा, इसका मतलब यहां पे ये लगा दो, यहां S होगा, तो R जो है S के पश्चिम में, ये आपका इस इक्वेशन का प्लॉट बनेगा डायग्राम का ठीक है। अब जैसे ही ये बन जाएगा तो आप आंसर निकाल लोगे, पूछ क्या रहा था आपसे कि S जो है Q के संबंध में किस दिशा में है, मतलब Q से S का डायरेक्शन पूछ रहा है कि S जो है Q से किस दिशा में है, तो Q से पूछा है तो जहां से पूछा वहां डायरेक्शन प्लॉट कर दो, ऐसे ये होता है आपका नॉर्थ, ये नीचे एकदम साउथ आ जाएगा, ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट, और एस आपका यहां लाई कर रहा है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है भाई, यहां वाले इस वाले में कर रहा है, तो ये कौन सा होता है आपका, साउथ ईस्ट होता है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ठीक। तो इस क्वेश्चन में होता नहीं, जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपसे कि बी एक बिंदु एफ है इसके उत्तर में है, डी है इसके उत्तर पश्चिम में है, सेम वही है, बस इसको एक इक्वेशन फॉर्म में दे दिया है ठीक। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आपका आज का जैकपॉट क्वेश्चन है ठीक, लगाना है आपको सभी को और आंसर इसका कमेंट करना है।
ठीक, आप क्वेश्चन पढ़ लो आराम से और इसके ऑप्शन देख लो और इसका आंसर कमेंट करना आप लोग। पलक अविनाश के उत्तर में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बबीता अविनाश के पूर्व में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अंजलि बबीता के दक्षिण में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पलक और अंजलि के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, और ये भी ज्ञात करें कि पलक अंजलि के किस दिशा में है, मतलब आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पता करना है। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। अब हम आते हैं प्रीवियस आपका जो जैकपॉट क्वेश्चन था, जिन बच्चों से नहीं लगा है वो आंसर देख लो, ये सिर्फ बड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करेंगे, देख लेना। हम ऐसे ही इसमें कुछ डायग्राम नहीं आपको बनाएंगे और ऐसे आपका जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही आपका सॉल्व हम कर देंगे तुरंत। देखो कैसे, यहां देखो मैंने बताया था प्रीवियस वाले में आपको कि जो जिस टाइप का ये क्वेश्चन है वन और टू में, कि जो राइट और लेफ्ट टर्न होता है आप उसको कैंसिल करते जाओ, तो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ते रहो और कैंसिल करते रहो, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है। देखो एक दायां टर्न आया और एक बायां टर्न आया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे राइट और लेफ्ट, उसके बाद से फिर चला और फिर दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे राइट लेफ्ट, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई, राइट लेफ्ट है ना, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल हो गया। इसमें देखो स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका नहीं दिया हुआ है, स्टार्टिंग डायरेक्शन इधर पूछा है ठीक, और ये बताया नहीं है किधर से वो चल रहा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपसे पूछा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर मुड़कर 5 किलोमीटर चला वो, उसके बाद सब देखो रोटेशन में आ गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो सभी जिधर था वो सब कैंसिल हो गया, कुछ बचा नहीं है। अब देख लेते हैं क्लॉकवाइज में कितना है, 180 डिग्री, क्लॉकवाइज में 180 डिग्री है, फिर वामावर्त 135, फिर वामावर्त 135 मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 135 घुमा तो कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 135 135 270, फिर वामावर्त में 90 डिग्री घुमा है तो 916 मतलब फिर 360 डिग्री हो गया, यहीं पे आपका 360 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज, टोटल टोटल का एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा वो 360 डिग्री। अब वो अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है, इतना घूमने के बाद वो अपने आप को किधर पाता है, दक्षिण दिशा में पाता है। तो भाई देख लो ये एंटी क्लॉकवाइज 360 है और यहाँ क्लॉकवाइज कितना था आपका 180 डिग्री था, तो इसमें से मैंने क्या बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में से घटा देना, कितना 360 में से 180 घटा दोगे तो कितना बचेगा 180 बचेगा, वेटेज किसका ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज इसके साथ लग जाएगा, तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे क्लॉकवाइज जाओ 180 पे क्या होता है हर दिशा अपने के विपरीत होती है, अपने विपरीत दिशा में होती है, 180 डिग्री पे दिशाएं क्या होती है विपरीत हो जाती है, जैसे यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर ये अपने आप को किधर पाता, लास्ट में हमारा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया और लास्ट का आपका डायरेक्शन दिया है क्या साउथ दिया है, तो हम साउथ से जो आपका 180 डिग्री एंटी क्लॉक आया है इसको हम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज किस में हम कर देंगे कन्वर्ट क्लॉकवाइज में कर देंगे, क्योंकि इस वाले केस में टाइप टू का केस है, टाइप टू में ये मैंने बताया था जब भी आपसे लेफ्ट या राइट टर्न बच जाए जो लास्ट में और लास्ट का आपका डायरेक्शन दिया रहता है और स्टार्टिंग निकालना होता है तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में कर देंगे। तो 180 डिग्री जब हम साउथ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे साउथ की विपरीत दिशा में पहुंचेंगे, तो साउथ की विपरीत दिशा क्या होती है भाई नॉर्थ होती है, काफी बच्चों ने आंसर भी दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका नॉर्थ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आज पूरा का पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस में जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते थे मैंने एग्जांपल से समझा दिया, अगले सेशन में हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन का मिक्सअप रहेगा, कम से कम 2 सेशन आपका मैं लूंगा जिसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा और उसी प्रैक्टिस में आपके जितने भी बताया हूँ टाइप वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, धन्यवाद।